तो कैसा लग रहा है आपको ये नया नया लुक? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने कभी भी स्ट्रेटिंग नहीं करवाई है, मतलब स्मूथनिंग। और स्मूथनिंग, ये वाली स्मूथनिंग मैंने खुद करी है। यस, ये मैंने खुद करी है घर पर, बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद कि आप सिंपल घर पर स्मूथनिंग कर सकते हो तो पार्लर जाने की क्या ज़रूरत है। तो फिर मैंने इसे घर पर ही ट्राई किया और ये है इसका रिज़ल्ट आफ्टर वॉश। 2 डेज़ के बाद ये वॉश मैंने किया है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं, 1 साल पहले मैंने पम्पिंग कराई थी तो उससे और ज़्यादा फ्रिजी हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे थे। उसके बाद मैंने ये स्मूथनिंग करवाई है, मतलब खुद ही करी है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आज का मेरा लुक? क्योंकि पम्पिंग के बाद तो नहीं करो आप एकदम से, तो 1 साल हो चुका था मुझे पम्पिंग कराए हुए, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार हम स्मूथनिंग कर सकती हूँ मैं। तो ये मैंने स्मूथनिंग खुद की है घर पर। मुझे बिल्कुल, मतलब पहले मुझे डर भी लग रहा था कि मैं खुद स्मूथनिंग कर भी सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, लेकिन यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस थी तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैंने इसको करा तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे लगे मुझे। और मैंने जो इसमें यूज़ किया है वो ग्लैट का ये स्मूथनिंग क्रीम यूज़ की है। शॉज कॉफ, पता नहीं, शॉज शॉज वर्क ऑफ, तो ये वाला मैंने इसका क्रीम यूज़ किया है। 0 नंबर का पैकेट लिया है क्योंकि मेरे बालों में कोई कलर नहीं है, तो आप 0 नंबर लेंगे। अगर आपके बालों में कलर है तो आप N नंबर लेंगे। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था जो कि है सिर्फ 500 में मुझे मिल गया। और ये 120 ml का ये पैक है, ये इतनी लेंथ में मेरे बालों में पूरा लग गया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी, मतलब ये हेयर वॉश करे हैं मैंने 2 डेज़ के बाद, हेयर वॉश करे हैं, उसके बाद का ये रिज़ल्ट है। और इसमें ये होता कैसे है, एक्चुअली इसकी मैं वीडियो मैंने शूट नहीं की क्योंकि मैं खुद पहली बार कर रही थी, तो मुझे बहुत सोच सोच के मतलब करना पड़ रहा था, तो मैंने वीडियो नहीं शूट की। नेक्स्ट टाइम करूँगी तो ज़रूर शूट करूँगी, लेकिन आज मैं इस स्ट्रेटनिंग क्रीम के बारे में आपको बता रही हूँ, या आप कैसे करोगे स्ट्रेटनिंग क्रीम, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इस पैकेट में आपको 2 क्रीम मिलती हैं, पहली जो आपके बालों को स्ट्रेट करेगी, ये 2 पैकेट है। और पहला है जो कि है 0 नंबर हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम, तो सबसे पहले ये यूज़ होता है, ये आपको बालों में लगाना होता है एक एक स्ट्रैंड पे। और दूसरा जो यूज़ होता है वो इसके बाद यूज़ होता है न्यूट्रलाइज़र, ये जब लगा लेते हो 1 घंटे बाद। हेयर वॉश शैम्पू नहीं करना आपको, खाली पानी से सर धोना है, उसके बाद आप इसको यूज़ करोगे ये न्यूट्रलाइज़र को। ये 2 प्रोसेस है और इसमें मुझे 4 आवर्स आराम से लग गया था, मुझे 4 घंटे आराम से लगते हैं इस प्रोसेस में, इसको सुखाना, धोना, स्ट्रेट करना, ये सब कुछ इतना टाइम लग गया। और ये फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हो, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका रिज़ल्ट। और यही प्रोसेस आप पार्लर जाके करवाओगे तो आपको 7-8 थाउजेंड आराम से पे करना पड़ता है, और यहाँ पर आपकी अपनी मेहनत है। और दूसरा 500 की आपको क्रीम लगती है, तो आप देख सकते हो कितना सस्ता पड़ता है अगर आप खुद कर सकते हो। अगर आपको नहीं लगता कि आप खुद नहीं कर सकते हो तो आप पार्लर जाएं। इसके बारे में मैं एक चीज़ बता देती हूँ, इस स्ट्रेटनिंग क्रीम के बारे में। जनरली इसके बारे में ये बोला जाता है, बहुत से वीडियोस ऐसे थे कि हेयर फॉल बहुत हो रहा है। हेयर फॉल क्यों होता है? क्योंकि ये जो क्रीम है इसमें बहुत तेज़ केमिकल होता है, अगर आप इसे विदाउट ग्लव्स भी लगाओगे तो आपके हैंड जो होते हैं वो जलने लगेंगे, तो इतना तेज़ केमिकल होता है इसके अंदर। दूसरा, इस क्रीम को स्कैल्प पे तो बिल्कुल नहीं लगाना, अगर स्कैल्प पे ये क्रीम लग गई तो आपके हेयर फॉल शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल शुरू हो जाएंगे। दूसरा, मैंने पार्लर जाके इसीलिए नहीं करवाया इस क्रीम को, मतलब स्मूथनिंग को, क्योंकि मुझे पार्लर वालों पर भरोसा नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली जो मैंने अक्सर जो प्रोसेस होता है वो मैंने देखा है कैसे होता है। आप जैसे ये हमारा स्कैल्प है और यहाँ से वो क्रीम लगाना शुरू करते हैं, जस्ट यहाँ से,
वो क्रीम लगाना शुरू करता था। आपको क्या लगता है, क्रीम आपके स्कैल्प पे नहीं पहुंचेगा? ऑब्वियसली वो पहुंचेगा, क्योंकि जो आपका बॉडी टेम्परेचर है उससे क्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे लगाया है हल्का सा, उसका ऑयल आपके स्कैल्प पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा, जिससे हेयर फॉल होता है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, जब इसलिए मैंने खुद से करा, तो मैंने कम से कम स्कैल्प से इतनी दूरी पर इस क्रीम को अप्लाई किया है। यहाँ से नहीं किया मैंने, मैंने यहाँ से इसको अप्लाई किया है और नीचे तक। इससे क्या होता है, मेरे स्कैल्प पे कोई भी क्रीम नहीं गई है, इतनी ही दूरी से मैंने पूरे हेड पर ये क्रीम यूज़ की है, कोई भी क्रीम मेरे स्कैल्प पे नहीं लगी। और जब भी आप हेड वॉश करो तो बहुत अच्छे से करो, ताकि टोटल क्रीम आपके हेड से निकल जाए। ऐसे ही आपको न्यूट्रलाइज़र यूज़ करना है, जो सेकंड प्रोसेस होता है, उसको भी आपको स्कैल्प पे नहीं लगाना है, क्योंकि वो भी केमिकल है। तो वो भी आपको इतनी ही दूरी से स्टार्ट करना है। ये हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप स्मूथनिंग कैरेटिन जो भी करवा रहे हो या फिर पार्लर से भी करवा रहे हो, तो उनको ये बोलो कि आप इतना गैप रखें बालों और स्कैल्प के बीच में। इससे बहुत कम हो जाएगा हेयर फॉल, और हेयर फॉल मतलब कम से कम केमिकल आपके बालों पे पहुंचेगा। दूसरा, 2 दिन बाद, जिस दिन जनरली तो वॉश उसी दिन कर देते हैं, लेकिन मैंने वॉश करने के 2 दिन बाद इसको अप्लाई किया था, इस स्मूथनिंग को। तो एकदम से ना करें, 1 दिन छोड़ के स्मूथनिंग का ये प्रोसेस करें, तो इससे भी आपके बाल काफ़ी हद तक बच जाएंगे। और जब भी आप आयरनिंग करो, जब हम पहली क्रीम लगाते हैं उसके बाद आयरनिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, इसमें हमेशा अपने बालों पे सीरम लगा लें, उसके बाद आयरनिंग करें। इससे क्या होता है, आपके बाल फिर भी काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। और सेकंड प्रोसेस होता है, उसमें भी पहले आप सीरम लगा लें, कोई भी अच्छा सा सीरम, उसके बाद आप प्रेसिंग करें बालों की, तो इससे बाल आपके काफ़ी हद तक बच जाएंगे। अब देखते हैं मेरे ये बाल कितने दिनों तक चलते हैं, क्योंकि मैंने इसका जो शैम्पू है, शैम्पू भी आपको इसी से रिलेटेड लेना है, कैरेटिन या स्ट्रेट वाले, तो मैंने मैट्रिक्स का शैम्पू मंगाया, क्योंकि लॉरियल के शैम्पू बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहे थे, तो मैं इतना एक्सपेंसिव नहीं जाना चाह रही थी। तो मैंने मैट्रिक्स का ट्राई किया है, और वो शैम्पू भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 350 रुपये में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसी का आपको मास्क लेना है और कंडीशनर आपको यूज़ करना है। तो फिलहाल मैं यही यूज़ कर रही हूँ, तो देखते हैं मेरी स्मूथनिंग कितने दिन तक चलती है। फिलहाल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अपने बालों को स्ट्रेट किया है, और इससे पहले मैंने अपने कभी बाल स्ट्रेट नहीं किए, क्योंकि मुझे लगता था ये मेरे पे सूट नहीं करेंगे। क्योंकि एक बार मैंने किसी पार्टी के लिए ऐसे ही स्ट्रेटनिंग करवा ली थी, वो बिल्कुल भी सूट नहीं करे थे, क्योंकि उसने बिल्कुल मेरे बालों को इतना ऐसे स्ट्रेट कर दिया था, बिल्कुल ऐसे, तो वो बिल्कुल नेपाली नेपाली वाला लुक आ रहा था, बिल्कुल यू नो चाइनीज़ लुक आ रहा था मेरा, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसी वजह से भी मैं बहुत सोच सोच के सोच रही थी कि करूँ नहीं करूँ नहीं करूँ, फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात ही नहीं, कर लेते हैं। तो जब मैंने स्ट्रेटनिंग करी, तो वो मैंने ऐसे उठा के करी, बाउंस लुक देने के लिए, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं करा कि बिल्कुल पोकर स्ट्रेट आए, वो नहीं किया मैंने, सिंपल ऐसे ही, ताकि एक बाउंस रहे मतलब बालों में, तो वो लुक बहुत अच्छा लगता है। बाकी मुझे ये क्रीम काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये क्रीम। अगर आप खुद स्मूथनिंग कर सकते हो, तो पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही कर लो। 500 में, 1000 में, मैक्सिमम 1000 रुपये में आप स्मूथनिंग घर पे कर लोगे। इसके इसमें आपको स्ट्रेटनर बहुत अच्छा चाहिए। ओह सेम सेम कलर। तो मैंने ये हैवल्स का स्ट्रेटनर लिया था, ये स्ट्रेटनर मुझे बहुत अच्छा लगा, 1000 की रेंज में है, 2 ईयर्स की वारंटी है, तो ये स्ट्रेटनर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके लिए आपको बहुत अच्छा स्ट्रेटनर चाहिए, और बस इतना ही चाहिए, और क्रीम, सिंपल सिंपल क्रीम, और इससे आपकी स्मूथनिंग अच्छे से हो जाएगी। और सिंपल घर पर आप चाहो तो किसी और की भी हेल्प ले सकते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छा लगे। अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।